असलम सहेल अंजुम आप सबके साथ टीम टेनअप की जानब से हाजिर है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं मज़े में हैं और मस्त हैं तो कैसे हैं आप सब लोग आप सब की तबीयत कैसी है तो सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक मे यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी एंड जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है ये एक लर्निंग सेशन कंडक्ट किया जा रहा है न्यू बीज के लिए आ, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है आ, इसके अंदर हम क्विक मार्केट अपडेट देखेंगे तो मुझे जो है टेलीग्राम पे भी अपडेट करने दें फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं ठीक है अच्छा जी आज का एजेंडा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है एजेंडा हम आज का आपसे डिस्कस करते हैं फिर मैं आपके साथ आ, 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 आपके साथ बाकायदा अपनी मार्केट अपडेट भी शेयर करेंगे ठीक है तो जिनका भी बेड़ा गर्क हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये जरा लाइव पे बताएं कि इनका बेड़ा गर्क क्यों हो सकता है होपफुली के मेरे कुछ अल्फाज इनको रिलीफ दे सके इनका किस लिहाज से बेड़ा गर्क हो रहा है अच्छा जी तो मुझे एक चीज़ बताएं कि कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं तो काइंडली जरा कमेंट डाउन करें हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं मैं जरा टेलीग्राम पे आपको एक लिंक पे लगा दूँ ताकि हमें जो है मोर एंड मोर लोग ज्वाइन कर सकते हैं फिलहाल जो है हमारा टी ए फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है हाँ जी आज इतनी ही जल्दी है इलेवन थर्टी पे मैंने लाइव आना था नॉर्मली आज मैं आठ बजे आ गया हूँ ये एक नॉर्मल एंड फॉर्मल लाइव सेशन है इसमें हम मार्केट अपडेट uh, को डिस्कस करेंगे ठीक है जी मुझे जरा दो मिनट दीजिएगा मैं जरा टेलीग्राम पे अपडेट कर दू टीम इज लाइव फॉर क्विक लर्निंग जी आ, कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं कमेंट डाउन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कल हमने एक लर्निंग सेशन कंडक्ट किया था उसके अंदर जो है हमने वन कॉइन को भी डिस्कस किया था कि आप वन कॉइन को बाय कर सकते हैं और वन परसेंट टू परसेंट पे जो है आप सेल ऑफ कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि कल जिस भी बंदे के नसीब में प्रॉफिट लिखा था वो बनाने के बनाने में ज़रूर कामयाब हुआ होगा मेरी जान प्राइस रेंज बताता हूँ फिलहाल क्यू ए सेशन कर रहा हूँ आपके साथ ठीक है इनशाला एजेंडा यही है क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारी एक रीत रिवाज होती है कि हम आ, कोई ना कोई ऐसी न्यू लर्निंग की होती है जो हमारी पिछले पूरे प्रीवियस वीक में भारी रहती है से भारी रहती है ऐसे ही है मैं हमेशा आप कुछ ना कुछ ऐसी बात नई बात जरूर बताने की कोशिश करता हूं तो आप में से बहुत सारे आ, लोगों की क्यूरीज थी बहुत सारे लोगों की आ, हैज मोड के लिहाज से क्यूरी थी कि अगर हमारे पास जो है ज़्यादा कॉमेंट इसके लिहाज से आते हैं तो मैं जो है आपको हैज मोड एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है जी आप काफ़ी सारे लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है हमें आज ठीक है मैं उनको वेलकम करता हूँ जो भी न्यू ग्रुप में आए हैं आपसे रिक्वेस्ट किया कि आपने फॉर वन मंथ जो है अप टू वन मंथ आप लाइव सेशंस वगैरह देखें क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर आर्मी ये एक ऐसी आर्मी है ये एक ऐसा हैश टैग मुतारफ करवाया गया है जिसपे आपको कोई बंदा भी सिग्नल बताता है कि ये बाय करना है ये सेल करना है आपको इतने फिल्टर्स बताए और सिखाए जा चुके हैं और मैं आगे भी बताऊंगा जिससे आप उस पूरे के पूरे सिग्नल का ऑडिट इजीली कर सकते हैं ठीक है जी उसका ऑडिट कर सकते हैं ये मुराद है क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर आर्मी का अभी एक क्वेश्चन था तो मैंने इस वजह से इसका आंसर दिया तो मेरे प्यारे भाइयों मुझे ये बताइएगा कि हम जो एजेंडा है वो आपको क्लियर हो गया एजेंडा आप सबको क्लियर है फाइनली मुझे एक कमेंट दें आ, ठीक है उसके बाद जो है हम इनशाला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं अच्छा जी इस पे जो है वन जून है जी बड़ी मेहरबानी भाई मैं यही देख रहा था कितने लोग जाग रहे हैं कितने लोग सो रहे हैं तो मैं इसको जुलाई कर देता हूँ कुछ ये अवार्ड जाता है इस चीज़ पर ठीक है जी जुलाई हो जाता है भाई जुलाई करने में कोई मसला है यहाँ तक बताएं जी एजेंडा कितने लोगों को क्लियर हो गया कि आज जो है हम किस एजेंडे पे काम करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हेज मोड पे बता दे भाई हेज मोर्ड का तो कोई पता ही नहीं है कि हेज मोड कैसे यूज होता है और मैंने एक टेक्निक भी डेवलप की है हैज मोड के लिहाज से वो भी इन ताला आपसे जो है शेयर करेंगे कि उस टेक्निक के मुताबिक हैज मोड से कैसे ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं ठीक है जी एजेंडा क्लियर है भाई भाई एनी अपडेट अपडेट ऑन ऑन क्या पूरी बात लिखा करो ठीक है तो मूव आउट करने की कोशिश करते हैं उससे पहले जो है हम क्विक मार्केट अपडेट दे दें कल हमने ये एक सिग्नल uh, लगाया था मेरी रिकमेंडेशन थी कि आप जो है इसको बाय करो और आप खूबसूरती चेक करो कि ये मैंने आपके सामने क्रिप्टो uh, स्क्रीनर से इस सिग्नल को इस कॉइन को निकाला और आपके सामने ही मैंने इसका सिग्नल बनाने की कोशिश की ये मकसद होता है क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर आर्मी का कि आप किसी पे भी डिपेंड किए बगैर आपके हाथ में एक ऐसा हुनर एक ऐसी आ, स्किल दे दी जाए कि विदाउट डिपेंडिंग एनी वन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको फिश पकड़नी सिखाता हूँ ना कि आप एक कटोरी लेके बैठे रहें कोई बंदा आके सिग्नल डालेगा आप उसके ऊपर जो है बाय करोगे तो सेल करोगे तो प्रॉफिट बनाओगे तो मेरा ये हमेशा आपसे एम यही रहा है कि मैं आपको हमेशा फिश पकड़नी सिखाई है ठीक है ये मैंने वन कॉइन आपके सामने ही निकाला था ठीक है आज भी हम अपने आ, क्रिप्टो स्कैनर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो भी मेरे साथ न्यू बी हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऐसे ही समझाता हूँ अगले बंदा जैसे कद्दू बैठा है पहली दफा आया है, और मैं उसको मैंने उसको समझाना ही समझाना है ठीक है तो ये क्रिप्टो क्रिप्टोनर का थोड़ा सा रिवीजन आपके पास ज़्यादा करता हूं। क्रिप्टो स्कीनर एक ऐसी ECG है सी करो कि इंसानी जिसम का एक हार्ट है तो ईसीजी करते हैं तो हम लोग आ, उसकी ईसीजी से पता चलता है कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा ये एक ऐसा स्कैनिंग है स्कैनिंग एक स्कैनिंग वाली चीज है जो पूरी की पूरी मार्केट को आपको एक पेज पे देती है कि मार्केट में इस टाइम ओवर सोल्ड मतलब क्या मार्केट पूरी बहुत ज्यादा बिक गई है या ओवर बॉर्ड कंडीशन में है या मार्केट को बहुत ज्यादा लोगों ने बाय कर लिया है ठीक है तो ये चीज हम इस क्रिप्टो स्क्रीनर की मदद से एक विंडो के ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उसका बड़ा आसान हाल ये होता है कि आपने अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला लेक्चर देखा है गाइड सेक्शन के अंदर गाइड नंबर 11 में लिखा है आ, लगा हुआ है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि बेसिकली जो रेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि मार्केट जो है इस टाइम करंटली ओवर सोल्ड है या ओवर बोट है तो यही चीज जो है हमने अपनी इस इससे टेस्ट करते हैं ठीक है तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली अभी देखिए मार्केट काफी डाउन है आपको पता है कि बी जो है ब्लीड किया हुआ है तो मैं आई लव टू यूज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कि मुझे ऐसी वैल्यूज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बताओ आरएसआई की ऐसी वैल्यूज जो 30 से नीचे हैं 30 से नीचे का मतलब ये है कि मार्केट इस टाइम काफी ज्यादा बिक चुकी है ओवरसोल्ड है तो भाई अब कोई तो होगा ना बाय करने का जैसे आपने देखा कि माइक्रो स्टैचडी वालों ने आज 80 बिटकॉइनज और बाय किए इस प्राइस पे अपनी एवरेज करने के लिए तो मार्केट में हालांकि से, सेंटीमेंटली काफी फेयर है तो लोग नहीं बाय करे लेकिन उन्होंने बाय की है अब यहाँ पर जो है मैं आपकी मशहूर एक्सचेंज एक्सचेंज आपकी फेवरेट को कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये यह मैंने दो फिल्टर्स लगा दिए कि मुझे एक्सचेंज के क्वाइंस दिखाओ किस एक्सचेंज के बायस पे अक्ट करो आपके कु क्वाइन के ऊपर फंड हैं आपके बिट गैट के ऊपर फंड हैं तो आपको ये उन, उन एक्सचेंजेस के भी सारे के सारे ऐसे क्वाइंस दिखाएंगे जो बहुत ज्यादा बिक चुके हैं और हम एज क्योंकि हमारा फंडा ये होता है कि हम बाय दी दैलरी ग्रीड करते हैं ठीक है तो हमने ये दोनों फिल्टर्स लगा लिए लगाने के बाद यहाँ पर आपको ये फिल्टर के ऊपर दो लिखा नजर आ जाएगा अब जो है आप यहाँ देखें कि आपको जो मोस्टली क्वाइंस नजर आ रहे हैं ये वो क्वाइंस हैं जिनकी फाइनेंस के ऊपर वन डे के ऊपर जो आर है वो आ, तीस से नीचे चल रही है क्योंकि ये देखे ना ये मैंने फिल्टर यही लगाया कि मुझे ऐसे सारे क्वाइंस दिखाओ जिनकी आर एस आई तीस से नीचे चल रही है अगर आप एक एक क्वाइन को सर्च करने लग पड़े जिन जिनकी आर एस आई तीस से नीचे है तो मे भी ये बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस हो जाएगा ठीक है और इस पे मैंने आपको फर्दर बताया था कि हमने शिट प्रोजेक्ट्स वगैरह को स्टडी नहीं करना जैसे लूना का कह रहा है कि ये भी बाइंग रेंज में आ रहा है मैंने कहा था कि नहीं हमने लूना के ऊपर नी सर्च आ, नहीं करनी जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी वन क्वाइन की कल ठीक है जी कि वन क्वाइन जो है यहाँ पर इस टाइम वो बाइंग रेंज में बता रहा है कल मैंने कहा था कि इसके ऊपर जो है हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं बाइंग पे जैसे ये मैंने वन क्वाइन सिलेक्ट किया और ये कल मैंने आपको सिग्नल बना के दिया था करंटली अगेन कल से लेकर आज कल से इसने जो पंप लेना था उस उसमें आपको दो परसेंट तीन परसेंट इसने प्रॉफिट कैश आउट करवाया अभी जो है इसकी आर एस आई फिर आपको ओवर सोल्ड कंडीशन में बता रही है ओवर सोल्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि आर एस आई जो है बहुत ज्यादा बिक चुकी है मतलब ये काफी सारा पैसा जो है इस क्वाइन से निकल चुका है तो अब जो है यहाँ पे लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे काफी सारे लोगों ने इसको बेचा है ठीक है ओवर सोल्ड कंडीशन का ये मतलब होता है ओवरबॉट कंडीशन का आपको पहले मैंने मतलब समझाया था कि ओवर मतलब आउट करना शुरू करेंगे प्रॉफिट्स अपने कैश आउट करेंगे तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट में जो बहुत सारे बेच दिया हुआ है लोगों ने तो अब एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि लोग इसको बाय करेंगे और आस्था आस्ता इसकी आर एस आई न्यूट्रल होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी इस तरीके से आप जो है अपना प्रॉफिट कैश करने में कामयाब होंगे तो ये तो था कि हम लोग जो है किस तरीके से आ, क्रिप्टो स्क्रीनर को यूज करते हुए एक पूरा का पूरा स्नेरियो कैप्चर कर सकते हैं मार्केट के अंदर कौन से क्वाइन ओवर बॉर्ड कंडीशन में जा रहे हैं कौन से क्वाइन ओवर सोल्ड कंडीशन में जा रही है ये मैंने इस वजह से बात रिपीट की थी कि हमारे पास क्योंकि कुछ न्यू बीज आए हैं यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कुछ न्यू बीज आए हैं तो जो पूछ रहे थे कि जी आज जो है क्या हमारा एजेंडा हो सकता है और मैं लाइव सेशन पहली दफा देखा तो इस वजह से जो है मैंने आ, ये चीज को रिपीट किया है तो आई होप सो के क्लियर कितने लोग ऐसे हैं कि उनको ये सीन क्लियर है मेरी जान यही तो बताया है कि स्क्रीनर से सिग्नल कैसे क्रिएट करते हैं काइंडली रिपीट कर दें नबील अफजल भाई अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अब आपको समझ आई है कि क्रिप्टो स्क्रीनर को यूज करते हुए हम कैसे सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं आप मुझे बताएं जो भाई आई हैव अ क्वेश्चन कॉइन मार्केट कैप पर अगर बीटीसी डोमिनेंट क्रीज हो रही है और मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब है ये एक जो है आ, चार्ट है मैं आपसे बीटीसी डोमिनेंस का शेयर करूंगा वैसे मैं आपको सिंपल बात बता दूं कि BTC डोमिनेंस का क्या ताल्लुक है डायरेक्ट वैसे तो BTC डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि फर्ज करो कि ये मेरे पास BTC डोमिनेंस का चार्ट है इस टाइम 43.6 थ्री परसेंट ये आपको वैल्यू शो करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम जितना टोटल मार्केट कैप चल रहा है क्रिप्टो का ठीक है जितना टोटल मार्केट कैप चल रहा है क्रिप्टो का अगर आप देखें कि टोटल जो मार्केट कैप है इस टाइम 868 बिलियन है ठीक है ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 1.36 परसेंट तो इसमें से जो 43 परसेंट जो इन्वेस्टमेंट है इस टोटल मार्केट कैप में से 43 परसेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बिट के अंदर पड़ी हुई हम लोग आपको यही बताते हैं है और डोमिनेंस भी इंक्रीज कर रही है तो इट्स मीन बीटीसी की प्राइस ऊपर जानी चाहिए और ऐसा हुआ भी है course, आप देखें कि बीटीसी की प्राइस अगर आपके पास मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया है ये देखें कि मैंने आपको कल एक लेवल वन दिया था जब मैं आपके साथ बी की अपडेट शेयर कर रहा था तो ये लेवल पे एग्जैक्ट जो है एग्जैक्टली उस लेवल पे नहीं आया 18,426 का है लेकिन ऑलमोस्ट ये 18,700 के लेवल को टच करके ऊपर गया है तो अगर ये 18,700 के लेवल से 19,426 तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम आया है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम आने का मतलब ये है कि आपकी बी का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और आपके आर्ट कॉइंस भी थोड़े थोड़े अप्रिशिएट किए हैं आई रिमेम्बर कि कल यही थीरियम थ्री डिजिट फिगर को टच करके आया ठीक है तो यहाँ पर ये देखें ये इसने ऑलमोस्ट नाइन सेवनटी एट का मार्क लगाया तो अभी इसकी वन जीरो फाइव नाइन प्राइस है तो इट्स मीन की जो मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है सारी की सारी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया तो सबकी प्राइसिस ऊपर गई हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है एक अच्छा एक और स्नैरियो पीटीसी डोमिनेंस का ये होता है कि अगर पीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज कर रही है और बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल ही रह रही है अपने प्राइस पे कंसोलिडेट कर रही है स्टेबल नहीं कहूंगा कंसोलिडेट कर रही है मतलब पांच पचास सौ दो सौ डॉलर ऊपर और नीचे इस तरह कंसोलिडेट कर रही है ठीक है कंसोलिडेशन की आपको अगर समझ नहीं आती तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें अगर इस तरह की रेंज आप देखें जिसके अंदर जो है प्राइसिस आपकी कंसोलिडेट कर रही है किस तरीके से कंसोलिडेट कर रही है इस लेवल से डाउन फिर ये ऊपर डाउन फिर फिर ये उपर, फिर ये ऊपर डाउन या फिर ऊपर तो फिर आपका ये ब्रेक डाउन कंफर्म हो जाता है ठीक है ब्रेक डाउन के ऊपर भी कंसोलिडेशन होती है और ब्रेक ब्रेकअप ब्रेक जो अप है जो हमारा जो सक्सेसफुली ब्रेक आउट होता है उसके ऊपर भी कंसोलिडेशन होती है ठीक है जी यहाँ पर देखें कि ये हमारी कंसोलिडेशन एरिया था जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपकी जो BTC की प्राइस है वो डाउन अप, डाउन आप और इसके बाद ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया तो अगर आपकी बी टी सी डोमिनस की प्राइस डिक्रीज कर रही है और आ, आपका BTC स्टेबल रह रहा है मतलब कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको एक आर्ट क्वाइंट सेशन नजर आएगा सीजन नजर आएगा पांच परसेंट दस परसेंट के मतलब बिट से पैसा निकल के लोग अब आर्ट क्वाइंस वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बीटीसी का डायरेक्ट रिलेशन है एक बहुत पेनफुल रिलेशन ये होता है बीटीसी डोमिनेंस का कि बी डोमिनेंस भी जो है इंक्रीज कर रही है बी की वॉल्यूम बी टी की प्राइस भी नहीं बढ़ रही लेकिन आर्ट कॉइन भी ब्लीड कर रहे हैं ये बड़ी गंदी वाली पेन वाली है कि वॉल्यूम जो है निकली वॉल्यूम है ही नहीं है तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी बी में जा रहा तो वो प्राइस ऊपर ऊपर डाउन जा रही है लेकिन आर्ट क्वाइंट जो है आपके हैवीली ब्लीड कर रहे हैं तो ये तीन रिलेशंस हैं कुछ डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं कुछ इनवर्स रिलेशन में आ रहे हैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा काइंडली पॉज लेते हैं यहाँ तक मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक का सेशन क्लियर है फिर हम जो है आगे अपनी मार्केट अपडेट पे मूव करते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी यहाँ तक का सेशन क्लियर हो गया बीटीसी डोमिनस भी जो है हमें समझ आई है यस इट्स क्लियर नाउ आरएसआई द वे इन थैंक यू ईएमई क्रॉस का बता दें इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट टॉपिक हम ईएमई क्रॉस के ऊपर रखेंगे नॉर्मली आई वुड लव टू टीच यू मैं आपको सिखाना कोशिश करूंगा जिस ईएमई के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो है 55 फाइव मूविंग एवरेज विद नाइन मूविंग एवरेज ठीक है इन दोनों का कम्बिनेशन बना के हमें काफी स्कैल्प वगैरह जो मिलेगी बीटीसी डोमिनेंस का यार रिलेशन समझ आया है क्रिप्टो स्क्रीनर के ऊपर सिग्नल कैसे बनाते हैं वो समझ आया क्रिप्टो स्क्रीनर के ऊपर सिग्नल कैसे बनाते हैं कुछ हद तक पता चला है आपको जी मेरे पारे भाई क्रिप्टो स्क्रीनर से सिग्नल कैसे बनता है यूजिंग आर एस आई वो पता चला है यार क्विक रिव्यू करते हैं मैंने अभी तो बताया है आपको क्रिप्टो स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं ओपन तो कैसे होगा ये अच्छा है ओपन कैसे होगा ओपन करना बहुत आसान है यहाँ पर देखो कि जब आप अपनी विंडो खोलते हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो अगर अकाउंट नहीं बनाना आता तो आपने क्या करना है ग्रुप के अंदर जाना है सही है तो जो भी न्यू लोग हैं जो हमारे साथ आज कल परसों में ज्वाइन किए हैं तो आप जाएं गाइड सेक्शन के अंदर ठीक है गाइड सेक्शन में जाने के बाद जो है अल्लाह भला करे आपने आना है आप जी आप ये भाई गाइड नंबर इलेवन को अपना फ्रेंड बना लो ठीक है अगर आप इससे पैसे निकालना चाहते हैं ये लगी हुई है वीडियो ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू की, आप ट्रेडिंग व्यू की की आप प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग कैसे कर सकते हैं अकाउंट कैसे बना सकते हैं पूरे के पूरे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये वीडियो लगी हुई है ठीक है तो जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आप इस तरह की चार्ट सेटिंग कर लेंगे जैसे ये मेरी हुई है मेरे तो काफी गंद मारा हुआ है आपको समझाने के लिए तो आपका एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा होगा जब आप सीख जाएंगे ट्रेडिंग व्यू ठीक है तो यहाँ पर ये यह देखो कि जैसे मैंने आपको पेपर ट्रेडिंग सिखाई थी यहाँ पर ऐसे ही ये क्रिप्टो स्कीनर है अगर आप मोबाइल पे हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर वो ऑप्शन नहीं देता क्रिप्टो स्कैनर की लेकिन मोबाइल के अंदर गूगल होता है ना क्रोम ब्राउजर होता है जैसे पे आप सर्च और रिसल सर्च वगैरह कुछ ना कर रहे होते हैं तो वहां पे जाके आप लॉगिन करें वहां पे आपको क्रिप्टो स्कैनर शो हो जाएगा डेस्कटॉप पे तो इजिली शोर होता है यहाँ पर आप क्रिप्टो स्कैनर ओपन कर लें ये देखेंगे मैंने फिल्टर ऑलरेडी लगाने आपको सिखाए बताए हुए हैं और आपने यहाँ से जो है, करने है पिक करने हैं जिसपे आपको पता चलेगा कि जी कौन कौन से इस टाइम जो है बाइंग आ रहे हैं या कौन कौन से इस टाइम बड़ी ही गंदी आर एस ए के ऊपर बैठे हुए हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द बाइंग अब जैसे कि ये एफ ई क्वाइन है ये ठीक है प्रोजेक्ट फॉर फॉर सम एक्सटेंड ठीक है इसपे हमने पहले भी काम किया हुआ है तो उसका आ, इस पर अभी भी देखेंगे इसके क्या हालात चल रहे हैं आ, आपने पेपर ट्रेड के तौर पे इस 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 जो है आ, इसको कंसीडर कर सकते हैं करंटली देखें इसकी आर बिलो 30 है मतलब 27 है इवन ये 20 के ऊपर भी गई थी अगर यह 20 के ऊपर गई थी तो आपने ये देखना है कि प्राइस के अंदर कितना चेंज आया है ठीक है मैं जो अक्सर कहता हूँ कि भाई यार ये या आपको पैसे देती है तो क्या वो देता है क्या हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि प्राइस के अंदर कितना चेंज आया थर्टी के ऊपर आने का मतलब यह है कि प्राइस यहाँ पर आई थी यहाँ पर आने के बाद जो है प्राइस आपकी ऑलमोस्ट गई है ऊपर ट्वेंटी फोर तो परसेंट सर नॉट अ बैड चेंज ठीक है जी ट्वेंटी फोर परसेंट इसने अप्रीशिएट किया है अगेन ये अपनी इस टाइम फुल ऑन डिमांड जोन में बैठा हुआ है तो आप जो है पेपर ट्रेड के तौर पर इसका बाइंग रेंज कंसीडर करें पेपर ट्रेड के तौर पे के बी है इसका इसकी जो है हम लोग डिमांड निकालते हैं एग्जैक्टली exactly जो डिमांड हमारे पास आ रही है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एट टू सेवन ठीक है जीरो पॉइंट जीरो सेवन टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन टू तक ठीक है यहाँ तक आप देखें अपने लेटर ऑर्डर लगाए ठीक है सेल वही हमारा आएगा टू परसेंट फाइव परसेंट ठीक है जी आप देखें ये मैंने आपके सामने सिग्नल निकाला है सामने आपके ये सिग्नल बनाया है तो हम लोगों ने इस चीज को कंसीडर करना है ठीक है तो ये तो था हमारा हो गया है पेपर ट्रेड के लिहाज से आपने इसको कंसीडर करना है इसके बाद जो है हम अपनी मार्केट अपडेट पे मूव करते हैं तो मूव करें मार्केट अपडेट पे बी के जाते जाते हालात देख जाते हैं कि बीटीसी हमें क्या पिक्चर प्रजेंट कर रहा है यहाँ पर देखेंगे मेरे पास वन डे का ही टाइम फ्रेम ओपन है और मेरी अपडेट के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आई अगर आपने कल मेरी अपडेट सुनी थी तो मैंने आपको लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के जो ज़ोन्स बताए थे अः उस पर मैंने बताया था कि अठारह हजार दो सौ हमारी एक्सट्रीम पोजिशन है अगर पीटीसी गिरता है तो यहाँ से स्टेबिलिटी होके ऊपर जाएगा इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं एक्चुअली में हमारे पास जो डिमांड प्रिंट हुई है वो 18,500 तक की प्रिंट हुई है ठीक है जी और अप साइड के ऊपर जो हमारा लेवल है वो 19,955 का लेवल है फिलहाल करंट प्राइस सैलरी है 19,400 तो इन दो लेवल्स के दरमियान में जो है हमने अपना रिस्क को मैनेज करना है आपको पता है रिस्क कैसे मैनेज करते हैं अगर इस पॉइंट पे गया है, तो आप मोस्टली यूएसडीटी में बैठेंगे ठीक है प्रॉफिट कैश करके इस प्राइस पे गया है तो आपका जो रिस्क होगा स्टॉप लॉस आपका बिलो इस जोन पे होगा एक परसेंट दो परसेंट से और यहां से आपको काफी सारी बाइंग एंट्रीज मिलेंगी ठीक है तो इन दो लेवल्स को अपने माइंड में रखो फॉर द टाइम बिंग अठारह हजार पाँच सौ उन्नीस हजार नौ दो नंबर दे रहा हूँ आपको ठीक है तो ये हमारा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग जोन चलेगा इसी के अंदर हमें आठ पॉइंट्स के अंदर भी एंट्रीज मिलेंगी तो कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं आपने याद रखने हैं उसी के दौरान ही अपने अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है और यहाँ तक का सेशन जो है क्लियर हो गया आपको कमेंट डाउन करें फिर हम इन शाह आगे बढ़ते हैं आर एस आई की सेटिंग शेयर कर दें मेरी जान आप जाओ उसके अंदर आर एस आई की सेटिंग बहुत आसान है यार आप वीडियो लगी हुई है दस पंद्रह मिनट की वीडियो है गाइड सेक्शन के अंदर लिखें आपको मेरी वीडियो नजर आएगी सर ट्रेडिंग व्यू पे सेल कैसे करें अब अब्दुल बासित भाई ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप तो कर रहे हैं पेपर ट्रेड तो पेपर ट्रेडिंग की एक वीडियो लगी हुई है वो आप देखें उसके अंदर आ, आपको बाय और सेल दोनों का ही बताया गया है बिना पैसा लगाए आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह आप बाय और सेल कर सकते हैं आर एस आई की सेटिंग बहुत ईजी है यार आर एस आई को आप इंडिकेटर को यहाँ पे लगाए यही सेटिंग है हाँ फोर्टीन आपको मैंने कहा है कि फोर्टीन एम ए वाली आपने आर एस आई चूज करनी है ठीक है फोर्टीन का मतलब ये होता है कि देखिए आर एस आई की लेंथ है फोर्टीन ये बाई डिफॉल्ट भी यही है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फोर्टीन एम ए का मतलब ये होता है प्रीवियस चौदह कैंडल की मूविंग एवरेज का ये आपको डाटा प्रिंट करके दे रही है सही है हाँ जी बिल्कुल ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इन्हीं के अंदर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट करेंगे इन्हीं के अंदर हम अपनी जो है फॉर सम टाइम्स इन उर्दू हिंदी अधूरे हसीना आप अपना नाम तो पहले अधूरा सही कर लो फिर आपको उर्दू इंग्लिश की भी समझ आ जाएगी उर्दू की भी समझ आ जाएगी आपका अपना नाम अधूरा है भाई क्या करें बिल विलियम्स की वीडियो किस गाइड में है बिल विलियम्स अच्छा बिल विलियम की आपको मैं बताता हूँ जितने भी न्यू भी हैं या जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं अगर वो बिल विलियम्स वाली मेरी टेक्निक से पैसे बनाना चाहते हैं क्योंकि आप सब जो आप सब लोग जो हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन गए ना तो ये देखो मैंने कहा ना गाइड नंबर ट्वेल्व इसके ऊपर है हाउ टू स्कैल्प इन ये मैं आपके सामने ही इसका जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ इसका जो नाम है जी आपके सामने इसका चेंज कर देंगे ठीक है जी एडिट पोस्ट टाइटल इसके ऊपर जो लिख देते हैं बिल विलियम तो अगर आप बिल विलियम भी आ, सर्च करेंगे ग्रुप के अंदर तो इनशाला आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगी और ये इनशाला आपकी प्रॉफिट मेकिंग टेक्निक प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटी में ये अच्छी हेल्प करेगी ये ठीक है ईयरली में भी कर देंगे बिल विलियम वाली नौवीं वीडियो है गाइड नंबर बारह की समझ आ गई है मेरे भाइयों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में हमने क्विक अपडेट क्रिप्टो स्कैनर को रिवाइज किया uh, कैसे सिग्नल्स बनते हैं वो चीज देखी ठीक है तो इनशा uh, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर क्वालिटी वाला सेशन रखते हैं थोड़ा सीखते हैं लेकिन क्वालिटी वाला सीखते हैं आपसे हमारा मेन एजेंडा यही रहेगा क्योंकि हम पहले एक एक दो दो घंटे की वीडियोस बनाते थे लेकिन अब जो है मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम के लिए बनाएं लेकिन क्वालिटी वाली जो है वीडियो आपके आपकी हो जिसमें प्योर आपकी लर्निंग ही हुई हो ऐसा ना लगे कि आपने आके यहाँ पर टाइम ज़ाया किया है अगर कोई बंदा पूछता है कि ये सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज कहाँ पे मिलेंगी तो उसका बहुत आसान हल है कि आप मेन ग्रुप में जाएं आ, बेशक आप मेन ग्रुप ईयरली ग्रुप के अंदर हैं या मेन ग्रुप के अंदर हैं तो अगर आपको कोई भी लाइव सेशन दोबारा देखना है तो आपने मेंबर्स खोलने हैं क्या खोलने हैं मेंबर्स खोलने हैं और जब आप जाएंगे अपने मोबाइल से वहां भी आपने ग्रुप के मेंबर्स पे क्लिक करना है तो एडमन का जो ये पोर्टल है एडमन और मॉडरेटर्स का तो आपको ये आई डी टेन नेशन की नजर आएगी ठीक है ये आई डी आपको टेन नेशन की नज़र आएगी इसको आपने ओपन कर लेना है ठीक है क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं हम आते ही आपके साथ इसी ID के साथ है। करंटली ये इस टाइम ये लाइव सेशन चल रहा है सेवन हंड्रेड प्लस लोग देख रहे हैं तो आपको कोई भी लाइव सेशन प्रीवियस देखना है आपको यहाँ पे नजर आएगा जैसे ये मेरा कल का लाइव सेशन था ये नजर आ जाएगा ये असल का लाइव सेशन है ये मेरा लाइव सेशन है इलेवन थर्टी पे तो हर वो सेशन आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएगा जो आप देखना चाहते हैं ठीक है जो भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इजीली आपको हर लाइव सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा अगर आप लाइव नहीं भी ले सकते आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इजीली आपको हर लाइव सेशन मिल जाएगा यही टेक्निक ईयरली ग्रुप के अंदर है और कोई बंदा अगर कहता है कि यार मैं मुझे तो मैं न्यू भी हूं मुझे नहीं पता नोटिफिकेशन कब आती है कब जाती है तो भाई देखो ये आज का सिर्फ प्रॉब्लम हुआ है कि मैं जल्दी आ गया हूँ लेकिन अब जैसे ये ग्रुप कवर के ऊपर तो एक ही टाइमिंग है ना कि मैं साढ़े ग्यारह बजे लाइव आता हूँ तो साढ़े ग्यारह बजे आई डी एग्जैक्ट खोल के बैठ के रिफ्रेश करते ना आपको उसी टाइम जो है लाइव सेशन शो होना शुरू हो जाएगा ये बहुत सिंपल है कि अगर ग्रुप में लोग स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं उन्हें लाइव सेशन मिलता नहीं तो यहाँ पर ये ग्रुप पे ग्रुप के कवर के ऊपर आपको इजीली ये देखें स्पॉट रेडिंग सेशन साढ़े दस और साढ़े ग्यारह तो इन टाइमिंग्स के ऊपर आप बैठे तो होपफुली आपको लाइव सेशन जो है शो होना शुरू हो जाएगा तो बहुत बहुत शुक्रिया यार जैसे बंदे ने भी ज्वाइन किया ताला हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर ये एक क्विक मार्केट अपडेट एंड लर्निंग सेशन कंडक्ट किया गया था होपफुली तो आपने इससे फायदा उठाया होगा तो चलता हूँ